क्या आप जानते हैं कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और पार्वती का एक और भी पुत्र था, जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता था। वामन पुराण के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर दिया तो कुछ पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तब शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली जिसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यास के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त करके तीनों लोक का राजा बन गया। और जब वह माता पार्वती से शादी का प्रस्ताव लेकर भगवान शिव के पास गया तब शिव जी ने उसे बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया और दुनिया को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।